एक्स्ट्रा टाइम। विराट कोहली, केन विलियमसन, दोनों अपने कंट्री के कैप्टन और दोनों ये चाहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतना, और ये दोनों सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं इस फाइनल को जीतने में अपनी टीम्स को। दोनों बैटिंग ग्रेट्स हैं एंड बोथ विल बी एक्सपेक्टेड टू डू जस्टिस फॉर देयर रेस्पेक्टिव टीम्स। अब देखना यह होगा कि वर्ल्ड नंबर टू और वर्ल्ड नंबर फोर बैट्समैन कैसे फेयर करते हैं अगले पांच दिनों में एट द एजेस बोल। करियर स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो विराट कोहली ने 7,490 रन बनाए अभी तक 52 के एवरेज से, और उनका हाईएस्ट स्कोर है 254 नॉट आउट। 27 टेस्ट हंड्रेड्स ऑलरेडी मार चुके हैं वो। बात केन विलियमसन की करें तो वो भी कम नहीं है, उन्होंने 7,129 रन बनाए हैं 53 के एवरेज से, और टॉप स्कोर उनका 251 का है, और वो 24 टेस्ट शतक भी जड़ चुके हैं। कैप्टनसी के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो विराट कोहली का इंप्रेसिव 60% विन रिकॉर्ड है टेस्ट मैचेस में। 60 टेस्ट मैचेस में कोहली ने कप्तानी की है इंडिया के लिए, जिसमें से 36 जीते हैं, और एज अ कैप्टन उन्होंने 5,392 रन बनाए हैं 98 की एवरेज से। एज अ कैप्टन उन्होंने 20 टेस्ट शतक जड़े हैं इंक्लूडिंग अ डबल हंड्रेड, हिज टॉप स्कोर 254 नॉट आउट। केन विलियमसन ने 36 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें से 21 जीते हैं फॉर न्यूजीलैंड। एज अ कैप्टन उन्होंने 3,092 रन बनाए हैं 60 के एवरेज से, और उसमें 11 शतक भी इंक्लूडेड है, और उनका टॉप टेस्ट स्कोर ऑफ 251 भी एज अ कैप्टन ही आया है। पर्सनालिटीज की बात करें तो दोनों के बड़े कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज है। कोहली बड़े अग्रेसिव रहते हैं, इन योर माउथ इन योर फेस टाइप कैप्टन है। विलियमसन बड़े हम्बल, थोड़े अंडर एस्टिमेटेड भी कह सकते हो, बड़े काम और कूल रहने वाले कप्तान है, और उनका लीडरशिप स्टाइल भी वैसे ही है। रीसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो रीसेंट फॉर्म विराट कोहली का बहुत ग्रेट नहीं रहा है। अपने पिछले 12 इनिंग्स में उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं मारी है, और उनका एवरेज बस 24 का रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इन द लास्ट 12 इनिंग्स। विलियमसन भी बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए पिछले 12 इनिंग्स में, उन्होंने सिर्फ 10 रन कम बनाए कोहली से, एवरेज सिर्फ 26 का है। लास्ट 7 टेस्ट मैचेस में कोहली ने सिर्फ 288 रन बनाए हैं, जिसमें से हाईएस्ट स्कोर 74 कराया अगेंस्ट इंग्लैंड। विलियमसन की अगर बात करें तो लास्ट 7 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 750 रन बनाए इंक्लूडिंग अ टॉप स्कोर ऑफ 251 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हेड टू हेड अगर देखें 9 टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कोहली ने 773 रन बनाए 51 की एवरेज से, जिसमें 3 शतक शामिल है, और उनका हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड है 211। विलियमसन की बात करें तो 11 टेस्ट मैचेस में वर्सेस इंडिया उन्होंने 728 रन बनाए हैं 36 के एवरेज से, जिसमें से उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 132। इंग्लैंड में दोनों का फॉर्म कैसा रहा? कोहली ने 10 टेस्ट मैचेस खेले इंग्लैंड में, जहां उन्होंने 727 रन बनाए हैं 36 की एवरेज से, जिसमें 2 शतक मौजूद है। उनका टॉप स्कोर इंग्लैंड में रहा है 149। विलियमसन ने इंग्लैंड में सिर्फ 26 के एवरेज से 261 रन बनाए अपने लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में, जो उन्होंने इंग्लैंड की धरती पे खेले हैं। इंग्लैंड में उनकी सिर्फ एक ही सेंचुरी है अभी तक। दोनों के बीच एक कॉमन बात यह है, यानी विराट कोहली और केन विलियमसन के बीच, कि दोनों ही अभी तक उस वर्ल्ड टाइटल को नहीं जीत पाए और अपनी टीम को लीड नहीं करा पाए टू बी चैंपियंस। इस टेस्ट मैच में जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, अगर दोनों में से किसी एक ने एक बड़ा इनिंग खेल दिया तो हो सकता है एक बॉक्स और टिक हो जाए। अब ये कौन टिक करेंगे ये आने वाले 5 दिन ही तय करेंगे। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.